अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज खुर्रम जिलानी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी आवाज सुन के आप सबको अंदाजा तो हो ही गया होगा, पिछले 3-4 दिन से मुझे बहुत ज्यादा बुखार था और पता नहीं पाकिस्तान जब यूएसए से हारे उस वजह से हुआ है या फिर सर्दी लगी है, लेकिन बहुत ही फ्लू का फीवर। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हूँ मैं, लेकिन अभी भी काफ़ी फ्लू है और थोड़ा थोड़ा फीवर भी है। उस वजह से मैंने काम से भी कुछ डेज़ ऑफ़ लिए हुए थे, जिनमें आज संडे का डे भी ऑफ था। तो अभी मेरा प्लान बना है कैनन मिल दोबारा से जाने का, क्योंकि मेरा जो वो कैनन मिल वाला पहला व्लॉग था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप सबका और मैंने भी वो बहुत इंजॉय किया था। तो उसका सेकेंड पार्ट जो है वो रिकॉर्ड करने का फिर टाइम नहीं मिला, लेकिन आज संडे है, दोबारा प्लान बना है। तो इंशाल्लाह अभी हम ब्रेडफोर्ड निकलने लगे हैं, कैनन मिल जाएंगे, वो सब आपको दिखाऊंगा। और साथ में आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है, अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर मैं आपको ब्रेडफोर्ड दिखाऊंगा। आप कहेंगे ये ब्रेडफोर्ड नहीं है, ये इस्लामाबाद, कराची या लाहौर की सड़कें लग रही हैं। अभी कैनन मिल पहुंच गए हैं और गाड़ी पार्क कर ली है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि इनकी जो पार्किंग है वो किस तरह की है, तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी पार्किंग है। और अभी यहां से मैं नीचे जा रहा हूं, बहुत ही ज़्यादा बिजी है और पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि फैमिलीज होती हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता काफ़ी जगह पर ओपनली वीडियोज़ बनाना। तो कैनन मिल के अच्छे अच्छे शॉर्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा और आपको पता लगेगा इसे मिनी पाकिस्तान क्यों कहते हैं। तो अभी हमने लिए हैं मैंगो और हमने 8 बॉक्सेस मैंगो के लिए हैं, छोटे छोटे मैंगो और 36 पाउंड के। अगर पाकिस्तान में 36 पाउंड के मैंगो लें तो पता नहीं कितने ज़्यादा आ जाएं। और साथ में हमने गोलगप्पे लिए, मेरा गला ख़राब था लेकिन मैंने गोलगप्पे खाए। इधर ब्रेडफोर्ड कैनन मिल से फारिग होके वहाँ पे खाना खाया, वो भी आपके साथ शेयर किया, आपने देखे होंगे उसके क्लिप्स। उसके बाद एक अल हलाल शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पे गए, कुछ ग्रोसरी लेनी थी और वहाँ पे भी फुल पाकिस्तानी इंडियन जो हमारे मसाले चीज़ें वो सारी मिलती हैं, वहाँ से शॉपिंग की। उसके बाद हम ड्राइव करते करते हेलीफैक्स सिटी है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, मैंने पहले नहीं देखा हुआ था,
तो ड्राइव करते करते इधर आ गए, तो अभी हैलीफैक्स के जो हमने सिटी सेंटर से होते हुए ड्राइव की है वो व्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। आई होप आपने हैलीफैक्स के जो ड्राइव हमने की है वो इंजॉय की होगी। और अभी एक पॉइंट पे आके हम रुके हैं, अब ये ब्यूटीफुल सीनरी जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। आई होप आपने जो है वो ये ब्यूटीफुल सीनरी इंजॉय की होगी जितना मैंने इस सीनरी को इंजॉय की है। बहुत ही पीसफुल जगह है। अभी हम बस हैलीफैक्स से वापस ड्राइव करते हुए जाएंगे ब्रेडफर्ड, वहाँ से वापस यॉर्क। और जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 121 का टारगेट जो है या 120 का टारगेट वो पाकिस्तान को दिया इंडिया ने। मैं फ़ोन पे मैच भी देख रहा था गाड़ी में साथ साथ, और अगर पाकिस्तान जीत जाता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीतेगा, तो फिर ब्रेडफर्ड की रोड्स का हाल दिखाऊंगा आपको। Take care, Mama.